Hey beautiful people, welcome or welcome back to my channel. I'm Shri, hope you all are doing well. So in today's video, I'm gonna share with you this soft glam makeup look for Eid. And this is going to be very beginner friendly makeup look. You can create this one for Eid or any kind of party. किसी भी ओकेज़न के लिए आप इस तरह सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो. सो इस मेकअप लुक के लिए मैंने अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं. कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैंने इस लुक को अचीव करा है, प्लीज़ इस वीडियो को देखना एंड तक, तभी आपको पता चलेगा. एंड येस, प्लीज़ मुझे बताना आज के वीडियो की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या एवरेज है या सुपर है, क्या है मुझे प्लीज़ बताना, बिकॉज मुझे जानना है कैसा है. इसी को मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ, दैट्स व्हाई. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी, क्योंकि एक अच्छा सा मेकअप लुक के लिए आपका स्किन अच्छे से प्रेप होना चाहिए. सो मैंने ऑलरेडी मेरी फेस को क्लीन कर लिया था विद माय क्लींजर. देन यहाँ पर मैं रोज़ वाटर से अपनी फेस को अगेन क्लीन कर रही हूँ, एंड रोज़ वाटर वर्क्स एज अ टोनर ऑल्सो. सो इस एक कॉटन बॉल की हेल्प से मैं अपनी पूरी फेस को वाइप कर रही हूँ अच्छे से, ताकि जो भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ होगा वो रिमूव हो जाएगा एंड मेरी पोर्स भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे. एंड देन मैंने लिया था गुड वाइब्स का फेस मिस्ट रोज़ का. सो उसी को मैं अपनी फेस पे स्प्रे कर रही हूँ, एक हाइड्रेशन के लिए एंड एक ग्लो के लिए भी. सो मैं इसे ऐसे वाइप कर लूँगी, मतलब हल्का सा वाइप करूँगी. एंड आप मेरी फेस अभी देख सकते हो, उतना ज़्यादा पिंपल्स नहीं है बट मार्क्स बहुत ज़्यादा है. एंड देन फॉर मॉइस्चराइज़र, यहाँ पर मैं ले रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, अल्ट्रा लाइट जेल मॉइस्चराइज़र. ये मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है देन ये आपके लिए नहीं है. सो इसी को मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी अपनी फेस पे एंड नेक पे. गाइस, आप जैसे प्रिपेयर करते हो ना अपनी स्किन को मेकअप के लिए, वैसे ही अपनी नेक को भी प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मेकअप लगती है. सो देन फॉर प्राइमर, मैंने लिया था लैक्मे का प्राइमर. ये थोड़ा सा ब्राइटनिंग प्राइमर है. सो इसी को एंड ये मैट थोड़ा सा कर देता है फेस को. सो इसी को लेकर मैं अपनी टी जोन पे पहले अप्लाई करूँगी, देन इसे मैं पूरी फेस में एंड नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, ताकि फाउंडेशन के लिए एक स्मूथ सा बेस मिल जाए. एंड प्राइमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप प्राइमर को छोड़ के आप सीधा फाउंडेशन पे मूव ऑन करते हो, देन आपका फाउंडेशन काला हो जाएगा, एकदम क्रीजेस आने लग जाएंगे एंड बिल्कुल भी सेट नहीं होगा, अपनी पूरी मर्ज नहीं होगा आपकी स्किन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा केकी लगेगा एंड मेकअप तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा. एंड प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी करता है. सो प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में. सो उसे अप्लाई कर लेना, जो भी प्राइमर आपके पास है. सो देन यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोई मेकअप लुक के लिए मैंने लिया था बेला वोस्टे का स्टिक हाइलाइटर. दिस वन इज़ सो अफोर्डेबल, आपको अराउंड 100 रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा. सो देन उसी को मैंने अपने हाइएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया, एंड ये बहुत ज़्यादा एक नेचुरल सा ग्लो देता है. सो देन फॉर फाउंडेशन मैंने लिया था लैक्मे का 925 मैट प्लस मैट प्राइमर मैट फाउंडेशन. सो इसी को लेकर मैंने अपनी फेस पे एंड नेक पर अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है, एंड आप देख सकते हो सीमलेसली ब्लेंड हुआ है. सो एंड देन फॉर कंसीलर मैंने लिया था मेकअप रिवोल्यूशन का कंसीलर. दिस वन इज़ हाई कवरेज कंसीलर. सो ये मेरी शेड से वन शेड लाइटर है. सो मैं क्या करती हूँ, वही जो मैंने फाउंडेशन लिया था वो मेरा स्किन टोन का ही था, उससे पहले मैंने अपनी अंडर आई पे थोड़ा सा टैप कर लिया था, ताकि वो कलर करेक्ट हो जाए, जो भी थोड़ा सा डार्कनेस है वो हाइड हो जाए. एंड जब मैंने वन शेड लाइटर कंसीलर अप्लाई करा, उसने उस एरिया को हाईलाइट कर लिया. सो कंसील करना एंड हाईलाइट करना दोनों अलग अलग बात है. आप देखो आपको कैसा चाहिए, मतलब कंसील करना है या हाईलाइट करना है. सो कंसीलर को मैंने अप्लाई करा था अपनी अंडर आई एरिया पे, लाइक हैवीली नहीं, बहुत ही लाइटली इनर कॉर्नर पे एंड आउटर कॉर्नर पे, एंड उसे ब्लेंड करा है. वो अच्छा दिखेगा, ना कि अगर वी शेप में हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइट लगेगा. एंड देन मैंने प्रिजर्व द नोज पे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए चिन पे क्यूपिड बो पे एंड आईलिड पे एज अ आई बेस
फोरहेड पे मैंने अप्लाई नहीं करा था क्योंकि फोरहेड पे थोड़ा सा पिंपल्स है एंड वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा और दिखेगा, दस आए। सो देन मैंने बेला वोस्टे के कॉम्पैक्ट से पूरी फेस को सेट कर लिया था। सो देन मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल से, जो आता है आई थिंक 75 या 65 समथिंग, मैं डिस्क्रिप्शन पे सारा प्रोडक्ट्स का MRP दे दूँगी, आप वहीं से चेकआउट कर लेना। सारे के सारे अफोर्डेबल कैटेगरी में है, उसी से मैंने अपनी आईब्रो को ड्रॉ कर लिया है। बट मेरी आईब्रो मैंने किया नहीं है तो थोड़ा सा और लग रहा होगा, मैं भी मुझे प्लीज़ बताना। सो देन आई मेकअप के लिए मैंने लिया था नायका का 10-in-1 डे ड्रीमिंग आई शेडो पैलेट। उसमें से मैंने पहले ये वाला डीपर शेड लिया है, उसी को लेकर मैंने पहले मैंने लाइटली ब्लेंड करा है अपनी पूरी आईलिड पे, देन थोड़ा सा और लेकर उसे आउटर वे पे प्लेस करके इन वॉर क्रीज लाइन पे एंड ट्रांजिशन पे उसे अच्छे से ब्लेंड करा है। ओके, ब्लेंड करने के बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, उसी से मैंने पहले गोल्डन शेड लिया था, वही आई शेडो पैलेट से, एंड उसे मैंने अपनी इनो वी से वॉन थर्ड पे अप्लाई करा है। देन मैंने लिया था पिंक शेड, ये गोल्डन एंड पिंक शेड दोनों ही सिमर शेड्स हैं, उसी को लेकर मैं इनर लिड पे अप्लाई करा है एंड उसे वही फ्लैट ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा डैब करके ब्लेंड कर लिया है ताकि आई मेकअप एकदम ब्लेंडेड लगे। एंड देन मैंने लिया था प्लम का काजल। प्लम का काजल वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड स्मच प्रूफ भी है। सो ये काजल आपके पास होना ही होना चाहिए, ये अफोर्डेबल कैटेगरी में नहीं है बट स्टिल 499 का है, बट आपको ऑफर में मिल जाएगा। सो ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। सो इसी को मैंने अपनी अपर वाटर लाइन पे इनर से अप्लाई करा है एंड लोअर पे अप्लाई करा है, क्योंकि जो ईद का मेकअप होता है वो विदाउट काजल इनकम्प्लीट है। सो काजल को हेविली अप्लाई करने के बाद मैंने लोअर लैश लाइन पे वही सेम शेड को जो मैंने फर्स्ट लिया था उसी को मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करा है ताकि अपर एंड लोअर की जो आई कलर्स है ना वो अच्छे से ब्लेंडेड लगे। सो देन मैंने मस्कारा अप्लाई करा है, मस्कारा मैंने लिया था बेला वोस्टे का मस्कारा। ये मस्कारा ना आपको फॉल्सिस को मतलब भुला देगा, आप फॉल्सिस को याद ही नहीं करोगे, बहुत अच्छा मस्कारा है, फॉल्सिस का इफेक्ट देता है, अच्छा खासा वॉल्यूम देता है ये। सो देन मैंने लिया था शुगर का पैलेट, फेस पैलेट, उसी में से ब्रॉन्जर शेड को लेकर मैंने अपनी चिक्स को कॉन्टोर करा है, थोड़ा सा जॉ लाइन को एंड नोज़ को थोड़ा सा, एंड देन वहीं से मैंने ब्लश भी लिया था। ब्लश मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली अप्लाई करा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्रॉन्ज ज़्यादा चाहिए था एंड हाइलाइटर। सो देन वही पैलेट से मैंने हाइलाइटर लेकर एक छोटा सा ब्रश के हेल्प से मैंने अपनी यूजुअली पॉइंट्स को हाईलाइट करा है, लाइक हाईएस्ट पॉइंट्स को, मेरी चिक बोन, ब्रा बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, थोड़ा सा फोरहेड को, फोरहेड को मैंने बहुत ही लाइटली करा है। एंड देन मैंने लिपस्टिक लिया था फ्रॉम नायका, नायका अल्ट्रा मैट मिनी लिपस्टिक। इस लिपस्टिक का मैंने ऑलरेडी डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो देन मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लेना। सो देन मैंने ईयरिंग वियर करा है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया था, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, चेकआउट कर लेना अगर आपको ये ईयरिंग चाहिए तो। इस ईयरिंग के साथ मांगटीका आता है एंड एक नेकलेस आता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो या दैट्स माई फाइनल फिनिश लुक, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल एंड ये वीडियो पसंद आया है एंड ओबियसली ये लुक भी। सो अगर आपको ये ईद लुक पसंद आया है देन डोंट फर्गेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो या That's all. See you soon with my next video. Till then, take care and bye.